यार इस व्यू का ना हकदार वही होता है जो बार बार थकने के बाद भी अपने जुनून को नहीं भूलता। वैसे ही ना जिंदगी में सपने तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन उनको पाने का हकदार वही होता है जो बार बार गिरने के बाद भी अपने उस सपने को नहीं भूलता। गोवा, साउथ गोवा। साउथ गोवा में तो आप ये वहाँ वही लेके जाने का क्या? हाँ, क्योंकि मैं बारटेंडर है उधर, आइस नहीं है ना। और ये उल्मंग, उल्मंग, उल्मंग। अरे वाह, बुड्ढा। मतलब एक बहुत बुरा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सो गाइस, यहाँ वैली में एंट्री करने से पहले यहाँ पे पास चेक होता है, तो अभी भैया पास चेक करा गया, 0 पॉइंट रुकेंगे। सो गाइज, फाइनली हम पहुंच गए 0 पॉइंट पे। एज यू कैन सी, यहाँ से आगे रोड खत्म हो जाती है, इसलिए इसको 0 पॉइंट बोलते हैं। और अमेजिंग ग्लेशियर व्यू है, चारों तरफ बर्फ के चादर से ढका हुआ है, बहुत सारे लोग हैं और मुझे लगा नहीं था कि इतनी ज़्यादा भीड़ होगी यहाँ पे, ऐसा मैंने सोचा नहीं था, बट पूरा पैक है। आप जैसे कि देख रहे हो पूरा जाम लगा हुआ है और लोग खेल रहे हैं बर्फ में। भाई कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा नहीं आ रहा है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भाई। तुम तो टॉप में पहुँच गए। तो गाइस, ये एक और व्यू पॉइंट था यहाँ पे, यहाँ पे भी हमने फोटोग्राफी वगैरह जम के कर ली है। बाकी अब थोड़ा डिसेंट करते हैं और थोड़ा मैगी वगैरह खा लेते हैं, भूख भी लगने लगी है। और पता क्या हो रहा, ज़्यादा बात कर लो या कुछ हल्ला करो, चिल्लाओ तो ना सांस एकदम से खुल जा रही है और हल्का सा ब्लैकआउट जैसा हो जा रहा है, चक्कर सा आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन भी थोड़ी कम है। तो यहाँ पे जितना कम बात करो उतना अच्छा है, इसलिए मैं ज़्यादा व्लॉगिंग भी नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों भाई, ऑल गुड? चलो भाई, लकड़ी पकड़ के खड़े हो गए। तो गाइस, यहाँ पे पूरा बाल लगा हुआ है, देखिए ये क्या है, यहाँ का रम है, हनी भी। अच्छा, हनी भी है, ब्रांडी, ब्रांडी है गर्म करने के लिए। अच्छा, और ये उल्मंग, उल्मंग, उल्मंग। अरे वाह, बुड्ढा, सिक्किम, सिक्किम का भी है, सुपर। 80 रुपीज़ का एक, 80 रुपीज़ जो हीट है 150, इसका है पैक का 50, और इसका है सेम है ये कोक 100 रुपीज़, और ये मिलेगा आपका 50 रुपीज़ में। अरे बाप रे, ये मिलेगा आपका 20 रुपीज़ में। और मैगी, मैगी 50 रुपीज़, मैगी दो कर दीजिए, और ये खाएगा लॉलीपॉप, खाएगा 10 रुपये। और उधर बैठ जाएंगे, हाँ इधर खाली नहीं तो इधर बैठ जाते हैं। वैसे पहाड़ों में मैगी का तो अलग मज़ा होता है, बट अगर पहाड़ों में बर्फ़ जमी हो, सफ़ेद चादर से ढके हो पहाड़, उसके बाद मैगी खाई जाए तो उसका अलग ही मज़ा है। तो अभी मैगी का आनंद लिया जा रहा है यहाँ पे। और ये भैया हमारे, आप ये लाल लाल क्या पी रहे हो भैया? ये स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब एनर्जी ड्रिंक। अच्छा, ये वाला स्ट्रॉन्ग तो नहीं है? वो नहीं, ठीक है, एनर्जी ड्रिंक है। 0 पॉइंट के हाइट में आके मैगी का टेस्ट अलग होता है। बिल्कुल, कभी कभी ऐसा लग रहा है ना कि ऑक्सीजन कम है ना, तो सांस भी रुक जाती है। तो फिलहाल यहाँ पे हम मैगी वगैरह खा लेते हैं, उसके बाद इसके बाद यिमथंग वैली जाएंगे। तो बात यह है कि यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा कम है, तो जैकेट अच्छी पहन के आए, कॉफी वगैरह डाल के लाए अच्छे से। दो कॉफी पैसे कौन दिया था? दो कॉफी का पैसे कौन दिया? Thank you.
इस तरह से हमारा 0 पॉइंट का सफ़र होता है ख़त्म। अभी हम यहाँ से निकल जाएंगे, बहुत ज़्यादा देर रुके हैं। एक्चुअली हमारा प्लान था यहाँ पर आधा से एक घंटा रुकने का, बट 1.5 से 2 घंटे रुक गए। मैं इतनी फोटोज़ खींच रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, सब लोग इन्जॉय कर रहे थे, इन्जॉय इन्जॉय में टाइम का पता नहीं चला। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, ये जो इसके पीछे वाला एरिया है ना, ये पूरा आर्मी का एरिया है, इसके पीछे चाइना बॉर्डर है, तो यहाँ से आगे जाने नहीं देते हैं। जो ये वाला एरिया है सिर्फ यहीं तक जाने देते हैं, ये 0 पॉइंट है। तो काफ़ी मज़ा आया। शुरू शुरू में जैसे आए थे तो थोड़ी ठंडी लगी थी, बट जैसे जैसे घूमते फिरते अपना चलते फिरते ना फोटो वोटो खींच रहे थे तो थोड़ी गर्मी लगने लगी थी। ठीक था, मज़ा आया, अच्छी जगह है, आपको भी आना चाहिए एक बार। अच्छा भाई, कहाँ लेके जाओगे इसे? कॉपी देसा। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आप बता दो, गोवा में आपका? गोवा, साउथ गोवा। साउथ गोवा में, तो आप ये वहाँ वहीं लेके जाने का क्या? हाँ, क्योंकि मैं बारटेंडर है, उधर आइस नहीं है ना। फ्रोजन के लिए, फ्रोजन मार्गरिटा के लिए चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सो गाइस, 0 पॉइंट से जब आप नीचे उतरते हो, वैसे तो जहाँ रुक जाओ वहाँ व्यू पॉइंट है, बट स्पेसिफिकली दो जगह पे लिखा हुआ व्यू पॉइंट और यहाँ पे रुकते हैं, तो यहाँ पे अभी हम व्यू पॉइंट पे रुके हैं। चलिए मैं आपको यहाँ का 360 व्यू दिखा देता हूँ व्यू पॉइंट का। बट जो ऊपर वाला व्यू पॉइंट है ना, वहाँ रुकना, वहाँ से ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा है। हमारे भाई ने रुके ही नहीं वहाँ पे। सो गाइस, थोड़ा सा और चलने के बाद हम लोग पहुँच गए यमथंग वैली। एज यू कैन सी जस्ट बिहाइंड मी, बहुत बड़ी वैली है और हमने ऊपर से देखी थी, काफ़ी सुंदर लग रही थी। अभी प्लान ये है कि हम लोग यहाँ पे ज़्यादा रुकना नहीं चाह रहे हैं, बिकॉज हम लेट भी हो गए और ऑलरेडी ऊपर से देख लिया है, कुछ खास ऐसा मुझे लगा भी नहीं यहाँ पे। ये देखो, चलो थोड़ा बहुत आपको घुमा देता हूँ आगे तक वैली में। तो अगर स्नो में आते हो तो आप पूरा, आपको बर्फ़ से ढके मिलने वाला है ना। बहुत बढ़िया यार, मज़ा आ रहा है, मतलब अच्छी वाइब्स हैं। सो गाइस, सो हम वापस जा रहे हैं अपनी जीप पे। तो अगर आप चाहो तो नीचे रिवर में भी जा सकते हो, वहाँ पे एक रिवर तक का व्यू पॉइंट है, मतलब वहाँ जाके आप बैठ सकते हो, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो। हालांकि ठंडी बहुत होगी, पानी और ठंड भी है बहुत ज़्यादा, पानी ठंडा बहुत होगा और लेकिन ठंड भी बहुत ज़्यादा है, हाथ सब फ्रीज हो गया। हाँ, इतने भी, मतलब इतने में बाहर में फोटो वोटो खींच रहे थे ना, हाथ पूरा फ्रीज हो गया है। तो अगर नीचे जाओगे रिवर में तो हाथ पाँव मत डालना उसमें, नहीं तो बैठ जाओगे वहीं। एक पुल भी है वहाँ पर, बैठ सकते हो। हाँ, वहाँ एक पुल भी है नीचे, अगर आपको फोटोज़ वगैरह क्लिक करनी है तो उधर नीचे रिवर के पार एक पुल है। तो चलो अभी चलते हैं आगे की ओर, और हमको भी लाचुंग भी पहुंचना है टाइम से, थोड़ा बहुत वहां भी कुछ कवर हो जाए तो। सो गाइस, ये है यमथंग वैली की मार्केट, और यहां पे आप, ये यमथंग वैली की मार्केट है, यहां पे आप सारी चीज़ें रेंट पे ले सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है, बूट वगैरह। अभी तो खैर स्नो नहीं है, स्नो के टाइम में यहाँ पे बहुत स्नो होती है तो आपको बूट देना ज़रूरी होता है। और क्या क्या मिलता है यहाँ पे खाना पीने, मैगी वैगी की व्यवस्था भी सारी है यहाँ पे यमथंग वैली के, ये भी कर सकते हैं। हम लोग तो स्किप कर रहे हैं, बिकॉज हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं और थोड़ा जोश भी कम हो गया है हमने, सारे ठंडे पड़ गए। How's the juice? ये देखो, How's the juice? ये देख रहे हो, इनको ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा लग रहा है सबको अभी होटल जाके। सो गाइस, वी आर बैक टू होटल, और अभी फटाफट लंच करके यहाँ से निकलना है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, बिकॉज यहाँ पे फॉग बहुत तेज़ लग गया है, हो कुल्फी जम रही है। अब तो मैं टोपी पहनता हूँ बड़ी वाली, और इसके बाद लंच करके सीधे निकलते हैं। तो गाइस, लंच करने के तकरीबन 20 मिनट या आधा घंटे की राइड के बाद हम लोग पहुंच गए हैं भीम नाला, जो कि काफ़ी बड़ा वाटरफॉल है। इसको यहाँ पे लोकल अमिताभ बच्चन वाटरफॉल भी बोलते हैं। तो लेट्स सी कैसा है, सही में अमिताभ बच्चन वाटरफॉल है यार, मुंडी मुझे उठा के देखनी पड़ रही है। सो गाइस, हम लोग पहुंच गए थे लाचिन, बट यार सीरियसली, मतलब बहुत बड़ा स्कैम बोलो या फिर बात करने का तरीका ना बोलो, मतलब एक बहुत बुरा इंसिडेंस मेरे साथ हुआ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो हुआ क्या था कि हमको वहाँ पे बोल, पहले तो कुछ नहीं बोला था, वहाँ बोला था सबको इंडिविजुअल रूम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जब पैसे ले लिए और वहाँ से गाड़ी स्टार्ट हुई थी,
लिटरली स्टार्ट हो रही थी उस टाइम, जो एजेंट का जो मेन एजेंट था उसने आके हमको बोला, मैं और एक और जो दूसरा बंदा है, कि तुमको रूम शेयर करना पड़ेगा, वहाँ पर दो बेड आपको अलग अलग मिल जाएंगे। तो हमने उसको इतना बोला, कुछ बोला उसका कोई असर नहीं, उसने बोला आपको नहीं जाना तो उतर जाओ, सीधे सीधे उसके वर्ड्स ये थे। तो फिर अब जब यहाँ आए हैं अभी रात के टाइम में, तो भैया यहाँ पे हमको एक छोटा सा रूम दिया उन्होंने और उसमें बेड भी बिल्कुल छोटा सा था, तो अब दो लोग कैसे रह सकते हैं मतलब अभी के टाइम में, मतलब मुझे तो बिल्कुल मैं नहीं शेयर कर सकता ऐसे अननोन के साथ, तो वो भी बंदा ऑब्वियसली, हालांकि हम लोगों की दोस्ती हो गई थी बट स्टिल ऐसे रूम शेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हो सकता है जेन्युइनली अवेलेबिलिटी ना हो, बट द थिंग इज कि अगर ऐसी चीज़ है तो पहले क्लियर कर देनी चाहिए मेरे हिसाब से। बट मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि हर कोई ऐसा बंदा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जो हमारे साथ जो हमारे साथ ड्राइवर थे उन्होंने काफ़ी हेल्प करी, वो भी लोकल ही हैं और भी सारे लोग लोकल जो हैं उन्होंने भी हेल्प करी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे साथ गंदा एक्सपीरियंस हो तो हर ट्रेवल एजेंट के साथ ऐसा गंदा एक्सपीरियंस होगा, और मेरे साथ अगर ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है तो अगर मेरी वीडियो देख के आप लोग या कोई भी आता है तो उसके साथ तो कुछ भी हो सकता है, जबकि उसको पता था कि मैं ट्रैवल ब्लॉगर हूँ और वीडियोज़ बनाता हूँ ऐसे करके। तो यही पॉइंट था, बट स्टिल बात यह है कि अभी तो फिलहाल मुझे रूम मिल गया है, फ्री में मिल गया है, हाँ दूसरा रूम दिया है प्रॉपर इंडिविजुअल, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ऑफिस ने दोबारा फ़ोन करके अच्छे से बात भी करी, तो ये सीन है यार, अभी फिलहाल थोड़ा ठीक लग रहा है मेरे को, थोड़ा रिलैक्स हो गया हूँ। यहाँ के जो होटल है उन्होंने चाय भी ऑफर करी, अभी चाय वाई पी रहा हूँ, उसके थोड़ी देर में डिनर के लिए बनाने वाले हैं। बट स्टिल मैं ना एक ऐसी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से जितने भी होटल्स हैं सबके नंबर्स वगैरह मैं लेने वाला हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, बिकॉज अगर आप लोग आते हो तो कैसे बुकिंग करानी है, अगर अकेले आते हो तो कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपको पता लग जाए। और अभी फ़िलहाल रूम मिल गया है तो ठीक है, आई एम हैप्पी। और कल दूर का लेक विज़िट करना है, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना भी है यार, है ना। तो बस यही है आज के लिए, इतना ही, ठीक है यार, मतलब मूड तो ऑफ हो ही गया था। एनीवेज चलो, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मेरी 2 साल से आने की तमन्ना थी आज फाइनली पूरी हुई है, बहुत मतलब बहुत इमोशनल फील कर रहा हूँ मैं।